खम्मा घनी, सुप्रभात, राम राम सा, सत श्री अकाल। वेलकम टू सन सिटी जोधपुर, सूर्यनगरी जोधपुर में आपका स्वागत है। आज खाना बदोश की टीम आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ किले की सैर पर ले जा रही है। वैसे तो भारत में मंदिरों की भरमार तो है, साथ ही किलों के मामले में भी देश पीछे नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में 500 से भी ज्यादा किले हैं। इनमें से कई किलों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, तो कई के बारे में आज किसी को ये भी नहीं पता है कि उनका निर्माण आखिर करवाया किसने था। कई किले तो किसी न किसी वजह से रहस्यमय भी माने जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से पाकिस्तान दिख जाता है। इस किले से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि किले के आठवें द्वार को बेहद ही रहस्यमय माना जाता है। मेहरानगढ़ किला। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें जयपोल, फतेहपोल, लखना पोल या डेढ़ कांगड़ा पोल, अमृत पोल, लोहा पोल और सूरज पोल के नाम शामिल है। मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके निर्माण का कार्य महाराज जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। इस किले को भारत के समृद्धशाली अतीत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जोधपुर के शासक बनने के एक साल बाद ही राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला लिया। किले के प्रथम द्वार पर नुकीली कीले लगी हुई हैं, जो हाथियों के हमले से दरवाजे के बचाव के लिए लगवाई गई थी। किले में कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं, जिसमें मोती महल, शीश महल, फूल महल, सिलह खाना और दौलत खाना खास है। किले के पास चामुंडा माता का एक मंदिर भी है, जिसे 1460 में राव जोधा ने बनवाया था। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राम मल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजाराम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से जयपोल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, पल पैलेस, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल, दर्पण पैलेस और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स बेहद आकर्षक है।
जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जयपोल द्वार, इसे विजय द्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध से मिली जीत की खुशी में करवाया था। फतेहपोल, इस द्वार का निर्माण मुगलों से मिली जीत की खुशी में करवाया था। डेढ़ कंद्र पोल द्वार, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी के निशान बने हैं, जिनको देखकर हमें तब के समय के युद्ध की भयावहता का एहसास हो जाता है। लोह पोल द्वार, ये किले का अंतिम द्वार है। यह द्वार किले में परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ 15 रानियों के हाथों के निशान देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत आकर्षक है। इन रानियों ने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार पर खुद को आग के समर्पित कर उनके साथ सती हो गई थी। ये हाथों के निशान उन सभी सती होने वाली रानियों की बलिदान का प्रतीक है। मेहरानगढ़ किले का यह म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। इस म्यूजियम के एक भाग में शाही पालकियां रखी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। उन पालकियों पर महीन कारीगरी और कुछ परियां भी बनी हुई है। मेहरानगढ़ फोर्ट 561 वर्ष से 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर सीना ताने आज भी गर्व के साथ खड़ा है। इस फोर्ट की प्राचीर पर सजी अलग अलग आकार की तोपें आज भी लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करती है, और लोग कौतूहल से उन्हें देखते हुए सोचते हैं कि कभी ये गरजती भी थी या नहीं। युद्धकाल के अलावा भी जोधपुर में रोजाना तोपें गरजती थी, और तीजक त्योहार पर विशेष रूप से तोप दागी जाती थी। नवरात्र स्थापना पर 7 और अष्टमी पर 11 तोप दागी जाती थी। दिन में 3 बार समय बताने के लिए रोजाना तोप गरजती ही थी। 47 वर्ष पूर्व यह परंपरा बंद कर दी गई। मेहरानगढ़ फोर्ट से प्रतिदिन दोपहर 12, रात 9 और 10 बजे 3 तोपें दागी जाती थी। 9 बजे की तोप लोगों के लिए संदेश होता था कि यदि कोई परकोटे से बाहर है तो वह लौट आए, अन्यथा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तीसरी तोप रात 10 बजे छोड़ी जाती थी। इस तोप के दागने के साथ ही सुरक्षा प्रहरी शहर के परकोटे पर लगे सभी गेट बंद कर देते थे। इसके बाद शहर में प्रवेश वर्जित था। बिना शहर कोतवाल की आज्ञा के न तो कोई आ सकता था न कोई जा सकता था। यह तोपे दागने की परंपरा मारवाड़ रियासत के अनुशासन शौर्य की प्रतीक थी, जो देश आजादी के बाद तक चलती रही। 19 मार्च 1952 के बाद प्रतिदिन की परंपरा को बंद कर दिया गया। विशेष आयोजनों पर दागी जाती थी तोपे। जोधपुर रियासत के भारत गणराज्य में विलय होने के पश्चात तोप केवल राजपरिवार के राज्याभिषेक, पुत्र जन्म, दशहरा, दीपावली, विवाह, जन्मदिन जैसे अवसरों पर तोपे दागी जाती थी, जिसका लेखा जोखा रजिस्टर में रखा जाता था। यह रजिस्टर आज भी मेहरानगढ़ संग्रहालय में मौजूद है, जिसमें 10 अक्टूबर 1973 तक तोप दागने का लेखा जोखा दर्ज है। रजिस्टर के अनुसार नवरात्रि स्थापना पर 7 तो, अष्टमी पर 11, दशहरे पर 19, दीपावली को लक्ष्मी पूजन पर 1, महाराजा के जन्मदिन पर 15, महाराजा के किले पहुंचने तथा प्रस्थान करने पर 4, नए चांद रोजा के दिखने पर 1 तोप छोड़ी जाती थी। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर में स्थापित चामुंडा माता की मूर्ति जोधपुर के संस्थापक और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता राव जोधाजी ने इसकी नींव रखने के साथ ही वर्ष 1459 में मंडोर दुर्ग से लाकर यहां स्थापित की थी। चामुंडा माता मूलत प्रतिहारों की कुल देवी थी। बाद में जब राठौड़ों ने मारवाड़ पर अपनी सत्ता कायम की, तब उन्होंने भी कुलदेवी के रूप में पूजा प्रारंभ कर दी। मुख्य मंदिर का विधिवत निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था।
मंदिर में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती व बेचरा माता की प्रतिमाएं स्थापित है। बेचरा माता की प्रतिमा महाराजा तखत सिंह अहमदनगर से अपने साथ लाए थे, जिसकी पहले स्थापना मोती महल में की गई थी, किंतु जब दुर्ग में हुए बारूद विस्फोट में पूरा मंदिर उड़ गया, लेकिन माताजी की मूर्ति बची रही। तब मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान बेचरा माता की मूर्ति भी यहां स्थापित कर दी गई थी। नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ रहती है। वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी विमानों ने जोधपुर के ऊपर करीब 300 बम गिराए थे। इन बमों में से सिर्फ जेल की दीवार पर गिरा एक बम फटने से कुछ नुकसान हुआ, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश बम फटने से रह गए। तब से जोधपुर वासियों में मां चामुंडा के प्रति अटूट विश्वास है। मेहरानगढ़ फोर्ट पर कई ऐतिहासिक तोपें रखी हुई है, जिनमें किलकिला, शंभुबाण, जमजमा, कड़क बिजली, वगस वाहन, बिच्छू बाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार व धुरधानी नाम की तोपें प्रसिद्ध है। प्रत्येक तोप अपने आप में इतिहास को समाये हुए हैं। जोधपुर नरेश गज सिंह है 1619 से 38 ने जालोर किले पर चढ़ाई और गजनी खान नाम की तोप को जीतकर जोधपुर ले आए। महाराजा अजीत सिंह 1708 से 24 ने 560 किलोग्राम वजनी कर बिजली तोप घाणेराव से बनवाकर मंगाई। किलकिला तोप भी महाराजा अजीत सिंह ने उस दौर में अहमदाबाद से 1400 रुपए में बनवाई थी। कहा जाता है कि किलकिला और जमजमा के धमाके सुन गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते थे। मेहरानगढ़ फोर्ट पर चीन में निर्मित एक तोप भी रखी हुई है। वर्ष 1901 में यहां के महाराजा सरदार सिंह के संरक्षक सर प्रताप चीन गए थे। वहां से लौटते समय अपने साथ एक तोप भी लेकर आए। इसे फोर्ट की प्राचीर पर रखा हुआ है, जो आज भी मारवाड़ के शौर्यपूर्ण इतिहास को ताजा करती हैं। चोखेलाव बगीचा और चोखेलाव महल मेहरानगढ़ किले के ठीक नीचे स्थित है। यह गार्डन 18वीं शताब्दी का है, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इस गार्डन में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां से आप मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। नागणित जी मंदिर किले के बिल्कुल दाईं ओर स्थित है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था, जब राव दुहड़ ने मूर्ति को मारवाड़ में लाया था, जिसको बाद में किले में स्थापित कर दिया गया था। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क किले के पास स्थित है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यह पार्क 72 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां रेगिस्तान और शुष्क वनस्पति पाई जाती है। इस पार्क में पर्यटक गाइड के साथ 880 से 1100 मीटर लंबे रोमांचक रास्ते जा सकते हैं, जहां पर कुछ अनोखे पौधों को देखा जा सकता है। मेहरानगढ़ संग्रहालय में आकर्षण की भरमार है। हाथियों की सवारी के लिए सीटें हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाता था। एक प्रमुख आकर्षण एक चांदी का हौदा है, जो शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को भेंट किया था। दौलत खाना में किले के कुछ शानदार खजाने हैं, जिनमें से कुछ महान अकबर के भी हैं। कई अलग अलग प्रकार की पगड़ियां हैं, जिनका उपयोग विशिष्ट राजस्थानी परंपरा में सजने संवरने के दौरान किया जाता है। पालकी का एक शानदार संग्रह, जिसमें रजत खासा, कमल के आकार की पालकी और पिंजस, ढकी हुई पालकी और कई अन्य शामिल हैं। इतिहास की पेंटिंग्स और कलाकृति का बढ़िया संग्रह प्रदर्शित है। विभिन्न युगों के कालीन, छतरियां, तंबू की दीवारें, वस्त्र, फर्श स्प्रेड और अन्य कपड़ा टुकड़ों का अच्छा संग्रह है। सिलेह का अर्थ हथियार और इस